तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें फौजी होकर गरीब पर अत्याचार कर रहे हो? हाँ, तुम्हें ये सिखाया जाता है आर्मी में? ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें ये सिखाया जाता है? पर मैडम, मेरी पहले बात तो सुनिए। तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये बेचारा अपाहिज है, इसके चेहरे चोट लगी हुई है, वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए पैसे मांग के अपना गुजारा कर रहा है, और तुम इसे पैसे छीन रहे हो? मैडम, पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ये लड़का भीख मांग, तुम मेरी बात सुनो। मैम साहब, कुछ खाने को दे दो। एक मिनट रुको भैया। शुक्रिया मैम साहब आपका। भैया खाना खा लेना, ठीक है? खड़ा हो, खड़ा हो, मैं सुनाई नहीं आ रही, खड़ा हो। पैसे दे इधर, तुझे शर्म नहीं आती है? भीख मांग रहा है तू नशा करने के लिए, और जो तू ये चोट वोट लगा रखा है ना अपने हाथों पे, सब पता है मुझे, ये तेरा सारा ढोंग है। साहब क्या बोल रहे हो आप, मैं तो भीख मांगता कुछ खा पी लूं, और ये मेरा हाथ और सर में चोट लग रखी है, कोई मेरे को काम जॉब वॉब भी नहीं देता। ओह शिट, मैं अपना फोन तो भूल ही गई। अबो तू मुझे मत सिखा, तेरे जैसे ना मुझे 600 मिलते हैं रोज, समझ गया? मुझे सब पता है तेरे बारे में, तू क्या करता है क्या नहीं करता। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें फौजी होकर गरीब पर अत्याचार कर रहे हो? हाँ, तुम्हें ये सिखाया जाता है आर्मी में? ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें ये सिखाया जाता है? पर मैडम, मेरी पहले बात तो सुनिए। तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये बेचारा अपाहिज है, इसके चेहरे चोट लगी हुई है, वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए पैसे मांग के अपना गुजारा कर रहा है, और तुम इसे पैसे छीन रहे हो? मैडम, पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ये लड़का भीख मांग, तुम मेरी बात सुनो, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, ये लड़का भीख मांग कर नशे पते करता है, और ये जो चोट लगी हुई है, ये नकली लगी हुई है इसको? अरे हाँ मैडम, मैं यही बोलना चाहता हूँ, इसने ये सारे चोट नकली लगा रखे हैं। भैया तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए, तुम इस गरीब को परेशान कर रहे हो, तुम ना इस वर्दी के लायक ही नहीं हो। तुम ना एक काम करो, इस वर्दी को उतार के रख दो साइड में, ठीक है? तुम्हें ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। अरे चुप, मैं तुम्हें बताता हूँ ये भिखारी है क्या है। यह है तुम्हारा भिखारी। पर सर ये आपको कैसे पता चला? वो क्या है ना मैडम, मैं रोज इसी रास्ते से अपने कैंप जाता हूँ, और मैं इसको देखता हूँ। सॉरी सर, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको जज कर लिया, मैं कैसे भूल गई कि अब हमारे देश के फौजी और आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मैडम इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप जैसे भले लोग गरीबों को पैसा दे ही देते हैं, पर मैडम मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इनको पैसे ना दे करके कुछ खाने के लिए दे दो, या फिर इनको कुछ कपड़े दे दो, या जो इनकी ज़रूरतें हैं वो दे दो। अब हम इनको पैसे दे देते हैं, पता नहीं ये उन पैसों का क्या करते हैं, और मैडम हमारा यूथ पता नहीं कहाँ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम जैसे लोग अगर इन बच्चों को नहीं समझाएंगे अभी से, तो कौन समझाएगा? आप सही कह रहे हो सर, आज से मैं इनको पैसे ना देकर खाना दूंगी। और मेरे दोस्त, ये पैसा तू रख अपने पास, इस पैसे को तू या तो खा लियो या तो तू नशा कर लियो, पर मेरी मानेगा तो तू कुछ खा लियो, ये तेरे लिए भी अच्छा होगा, और हमारे यूथ के लिए भी अच्छा होगा, और मेरे लिए भी अच्छा होगा, समझ गया? और मैडम मैं थोड़ा अपने कैंप के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं चलता हूँ मैम।